गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे हम लोग चैप्टर टू का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स होता है आरोही क्रम तथा असेंडिंग डिसेंडिंग मीन्स होता है अवरोही क्रम, ठीक है। नीचे हम लोग देखते हैं, नंबर्स कैन बी अरेंज्ड इन ए सीक्वेंस फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर और फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर, ठीक है। नंबर को, संख्याओं को बड़े से छोटे तथा छोटे से बड़े के सीक्वेंस में अरेंज यानी व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है। राइटिंग नंबर्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। कह रहा है क्या कि संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखने को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। मतलब छोटी संख्या से जब हम लोग बड़ी संख्या की तरफ जाते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। राइटिंग नंबर्स इन ऑर्डर फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और संख्या को बड़े से छोटे की तरफ जब लिखा जाता है तो वो क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, यानी अवरोही क्रम। धीरे धीरे संख्याओं का क्रम घटता जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, राइट द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। नंबर का एक सेट दिया गया है, ठीक है, और उसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है असेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करके आप लोग को दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पर लिखी हूँ, यहाँ नंबर दिया गया है 7,428, सॉरी ये नहीं है, यहाँ पर देखते हैं 3,895, 3,992, 3,928, ये असेंडिंग ऑर्डर में राइट किया गया है। क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, और इसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है, हमको आरोही क्रम में राइट करना है यानी असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम लोग छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। तो इस फोर नंबर्स दिए गए हैं, इसमें सबसे छोटा नंबर आपका ये है, ठीक है। आप लोग देखते हैं यहाँ 7,000, 3,000, 9,300 है, ठीक है। तो 7,900 ऑलरेडी बड़ा होगा 3,000 से, ठीक है। 3,000 के टू नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, तो 3,000 के टू नंबर दिए गए, तो 1,000 के प्लेस पे यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो हम लोग इसको छोड़कर 100 प्लेस की डिजिट को देखेंगे, तो ये 9 और ये 8 है, तो ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा इन सारे नंबर्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस नंबर को राइट करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग इस नंबर को राइट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये नंबर इस नंबर से थोड़ा बड़ा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 7,000, 9,000 में देखते तो 7,000 बड़ा छोटा होगा 9,000, फिर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या यानी 9,499 लिख सकते हैं। तो ये हम यहाँ पर एक सिक्वेंस में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए हैं सारे नंबर्स को, ठीक है। इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से लेस देन का साइन यूज़ करके, ठीक है, 3,895 लेस देन 3,992 लेस देन 7,428 लेस देन 9,490, ठीक है। अब इसी नंबर को हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है अवरोही क्रम, ठीक है। तो हम देखते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में जो किया, ठीक, इसका अपोजिट कर देंगे तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे नंबर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे बड़े से छोटे की तरफ, धीरे धीरे संख्या का क्रम क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। 9,419, 7,428, 3,992, 3,895, देख रहे हैं आप लोग कि ये संख्याओं का क्रम धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। और इसको हम लोग और इस तरीके से भी हम लोग इसको राइट कर सकते हैं, कैसे, तो 9,419 ग्रेटर देन 7,428 ग्रेटर देन 3,992 ग्रेटर देन 3,895, ठीक है। आई होप आप लोग को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन, ठीक है। बिफोर यानी पहले, आफ्टर मीन्स बाद में, बिटवीन मीन्स बीच में होता है। नंबर विच फॉलो वन आफ्टर अदर एंड कॉल्ड कंजुकेटिव नंबर्स। कंजुकेटिव नंबर्स किसे कहते हैं, हिंदी में नहीं इसका होता है, लगातार आने वाली जो संख्या होती है वो, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि नंबर संख्याएँ जो कि एक के बाद दूसरी आती है, ठीक है, एक के बाद दूसरी आती जाती है, वही कंजुकेटिव नंबर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, देखिए 1,316, 1,317, 1,318, 1,319 एंड 1,320 आर कंजुकेटिव नंबर्स, ठीक है। यानी देख रहे हैं आप लोग कि वंस प्लेस पे जो डिजिट है 6, 7, 8, ये सब तो सेम है, 100
टेंथ हंड्रेड्स और थाउजेंड प्लेस पे जो डिजिट है वो सेम है, बदल कहाँ रहा है, चेंज हो रहा है नंबर डिजिट, तो केवल वन प्लेस का, सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक है, टेन में भी जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टेंथ प्लेस की भी वैल्यू क्या हो रही है, सॉरी डिजिट चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये लगातार आने वाली संख्या हो गई है, ठीक है, सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, ठीक है। अब हम लोग नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर ए गिवेन नंबर और इच वन लेस देन इट इज कॉल्ड इट्स प्रेसेजर, ठीक है। कह रहा है कि नंबर संख्या कम जस्ट बिफोर ए गिवेन नंबर, जो दिए हुए नंबर के जस्ट पहले आती है, यानी तुरंत पहले आती है, या जो दिए हुए नंबर से एक वन माइनस करने पर आता है, उसी को हम लोग प्रेसेजर बोलते हैं, ठीक है। तो नंबर अगर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर एक लिया गया है, ठीक है, 5863, तो इसका प्रेसेजर नंबर्स हो जाएंगे, वन माइनस कर देंगे हम लोग को, तो 5862 मिल जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रेसेजर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नंबर नेक्स्ट लाइन देखते हैं, नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर ए गिवन नंबर और इज वन मोर देन इट इज कॉल्ड इट्स सक्सेजर, ठीक है। कह रहा है कि संख्या जो कि दिए हुए नंबर के जस्ट बाद में आती है, या उसमें वन ऐड करने पर जो मिलता है, वही क्या होता है, सक्सेजर होता है, प्रेडेसर, सक्सेजर और प्रेडेसर, प्रेडेसर मीन्स बिफोर नंबर और सक्सेजर मीन्स आफ्टर नंबर, ठीक है, यानी आफ्टर बिफोर का ये सेनोनिम्स हो गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, लेट्स फोर कंसिडर ए फोर डिजिट नंबर 5863 एंड फाइंड इट्स प्रेसेजर्स एंड सक्सेजर, ठीक है। हम लोग फोर डिजिट नंबर यहाँ पे दिया गया है 5863, इसी में हम लोग इसका प्रेसेजर एंड सक्सेजर पता करना है, ठीक है, फाइंड करना है। तो द प्रोसीजर क्या हो जाएगा, आप इतना देखिए, यह नंबर लिखा गया है, इस नंबर से वन माइनस किया गया है, तो वन माइनस करने पे क्या हो रहा है, वन प्लेस पे जो डिजिट है थ्री, उसमें से वन माइनस हो रहा है, तो टू आ जा रहा है, ठीक है। तो इसके जस्ट बिफोर ये नंबर आएंगे, ठीक है, एंड इट्स सक्सेजर इज 5863। अब इसमें सक्सेजर पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वन प्लस किया गया है, यानी इसका आफ्टर नंबर पूछ रहा है, तो हम वन ऐड ही करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम वन ऐड कर रहे हैं, तो हमारा वन प्लेस पे जो डिजिट है उसमें वन ऐड हुआ, तो फोर आ गया। तो ये 5863 का सक्सेजर क्या हो गया है, 5864, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेसेजर और ये सक्सेजर, और इन दोनों के बीच में जो नंबर आएगा, यानी बिटवीन नंबर हो जाएगा 5863, ठीक है। आप लोग को ये सारे सब टॉपिक समझ में आ गए होंगे, तो हम लोग आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5 पे चलते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.5 देखते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इस नंबर को अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे छोटी संख्या, ये थ्री डिजिट वाली संख्या नंबर्स फोर डिजिट नंबर से छोटी होंगी, ठीक है। तो हम लोग पहले 298 लिखे हैं, ठीक, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 3469 है, और यहाँ पे 3285 है, तो 200 और ये 400, तो ये नंबर क्या होगा आपका, इससे छोटा होगा, तो फिर हम लोग 3285, ठीक है। उसके बाद हम इस नंबर को ऐड करेंगे 3469, फिर लास्ट में इन सभी नंबर्स में जो नंबर सबसे बड़ा है, बिगेस्ट नंबर है 4061, उसको राइट करेंगे, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, इस प्रकार से बी सी डी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो नंबर्स के सेट दिए गए हैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं, सभी 7000 क्या है, 7000 से स्टार्ट है नंबर, मतलब 1000 प्लेस पे सभी नंबर्स में 7 नहीं है, ठीक है। तो ऐसे तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है, तो हम लोग 100 प्लेस का देखेंगे। तो 100 प्लेस पे क्या होगा कि 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो 4 और 6, तो 6 4 5 4, इसमें सबसे बड़ा नंबर आपका ये हो जाएगा, क्योंकि 6 बड़ा होगा, तो 7649 लिखे हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम लोग इन नंबरों में देखते हैं, ये तीन नंबर अब बच गए हैं, 7496, 7549,
7459। तो अब देखते हैं, 4 4 है यहाँ पे, तो ये 5 वाला नंबर क्या होगा। हम लोग असेंडिंग मीन्स घटते क्रम में बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं ना, तो हमको बड़ी संख्या को पहले लिखना है, ठीक है। तो ये 7549 है, इसको पहले लिखेंगे, ठीक है। अब ये दो नंबर बच गए, तो इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7496 7459। तो फोर, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, 100 प्लेस पे, ठीक है। तो हम लोग 10 प्लेस पे देखते हैं, यहाँ 9 और यहाँ 5 है, तो ये वाला नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। तो 7496 हो जाएगा, ठीक है, 7496, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट में सबसे छोटा नंबर ये आया, ठीक है, 7459, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। इसी तरह से हम लोग बी सी डी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द नंबर दैट कम्स इन बिटवीन द गिवन नंबर्स, ठीक है। हम देख रहे हैं यहाँ पे 6098 है, मतलब क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यहाँ पे नंबर राइट करना है दैट बिटवीन, जो कि दिए हुए नंबर के बीच में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6698 है, ये 700, तो 98 के बाद क्या आता है, 98 के बाद क्या आएगा, तो 6099 आएगा, ठीक है। तो 8 के बाद क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, फिर हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमें ये नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 डिजिट नंबर है, तो इसको देख रहे हैं, तो 4039 यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे 4041 दिया गया, तो 39, आप ये देखिए 39, या ये जो नंबर दिया गया है इसमें आप 1 ऐड कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ समझा रही हूँ, अगर आप लोग को वैसे नहीं आता है तो आप लोग ऐसे कर लीजिए, जो नंबर यहाँ पे दिया गया है 4039 यहाँ पे कर लीजिए, 4039, ठीक है। इसमें आप लोग 1 ऐड कर लेंगे तो आप लोग को बिटवीन नंबर मिल जाएगा, 9 + 1 इक्वल टू 10, 10 का 0 कैरी 1, 3 और 1 कैरी 4, ठीक है, 0 फिर यहाँ पे आया 4, आपका ये बिटवीन नंबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको राइट कर सकते हैं 4042, ठीक है। अब इसके सॉरी 42 नहीं 40 होगा यहाँ पे 40 होगा, ठीक, उसके 40 के बाद 41 ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पे सी और डी दिया गया है, इसी प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, राइट द प्रोसीजर एंड सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर, यहाँ नंबर दिया गया है, ठीक है, 889, 2341, 7038, 9000, इसका सक्सेसर एंड प्रोसीजर एंड सक्सेसर राइट करना है। तो हम लोग देखते हैं 889 है, तो इसमें से हम 1 माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है, 9 से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8, तो यहाँ पे 8888 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम 1 ऐड करते हैं 889 में, ठीक है, 889 में 1 प्लस कर देते हैं, तो 9 + 1 इक्वल टू 10 का 0 कैरी 1, 8 और कैरी 1 हो जाएगा आपका 9 और 8, तो क्या मिल रहा है, 890 हो मिल रहा है हमको, ठीक है। तो हम एक सिंपल सा तरीका हम आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग जो नंबर दिया गया है, ठीक है, जब भी प्रोसीजर पूछे तो उस नंबर से 1 माइनस कर दीजिए, ठीक है, और जब भी सक्सेसर पूछे तो उसमें 1 ऐड कर दीजिए। अब यहाँ से हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो हमारा इसका इस नंबर का प्रोसीजर क्या होगा, 2340 हो जाएगा, ठीक है। और इसका अगर सक्सेसर पूछ रहा है तो 2342 हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस करेंगे तो 41 है तो 42 हो जाएगा। इसी प्रकार से सी और डी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, तो इसको आप लोग अपने नोट कॉपी पर राइट कर लीजिएगा। ओके।